हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई क्यू ज्ञान। तो आज हम 22 जून का, आज का मंडे का, हम एडिटोरियल और न्यूज पेपर एनालिसिस देखेंगे द हिंदू का। तो ये जो है आपका पहला न्यूज है। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला जो आपका न्यूज है फ्रंट पेज का, वो है आर्म फोर्सेज गिवेन फ्री हैंड टू रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन एट LAC। तो LAC जो सिचुएशन अभी हम देखते आ रहे कुछ दिनों से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपका चाइना के साथ जो बॉर्डर है हमारा, तो वहाँ पे जो स्टैंड ऑफ था चाइना के साथ, तो उसको देखते हुए आर्मी को एक फ्री हैंड दिया गया कि वो सिचुएशंस को अपने आप एसेस कर सके, देख सके क्या वह जरूरत है और एक्शन ले सके। तो फोर्सेज हैव गिवन फ्री हैंड टू एसेस द सिचुएशन और टेक एक्शन। जिस हिसाब से आपको एक्शन चाहिए वो आप ले सकते हैं, फोर्स को एक दिया गया फ्री हैंड। इसके अलावा इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला है आपका रसिया जो है मंडे को रसिया में, अभी राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर वो गए हैं रसिया, वहाँ पे जो मंडे को एक पार्टिसिपेशन करने के लिए 75th एनिवर्सरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें एक परेड है, विक्ट्री डे परेड जिसको कहते हैं, इसमें इंडियन फोर्सेज भी पार्टिसिपेट कर रही है। और इस परेड में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर भी गए हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे अभी डिटेल में क्या है ये विक्ट्री डे परेड। इसके अलावा मैं एक और बात इंपॉर्टेंट जो आपका कि जो रूल ऑफ इंगेजमेंट है, जो रूल ऑफ इंगेजमेंट क्या था बेसिकली, ये है आपका कि कैसे जो है आर्मी जो वहाँ पे स्टैंड ऑफ है या जो डिस्प्यूट होगा जब भी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में, तो कैसे आपको इंगेज करना है। आपको पहले रूल जो क्या था कि आपको हथियार नहीं रखना अपने पास में इंगेजमेंट में, आप हथियार नहीं चलाना है, बंदूक नहीं चलानी, फायर आर्म्स नहीं चलाना है, तो इसको चेंज कर दिया गया है अभी के इंसिडेंट को देखते हुए कि भाई आप एक फ्री हैंड दिया गया है ताकि आप फायर आर्म जो है वो सब चीज़ चला सके और अपने सोल्जर्स को सेव करने के लिए एक इसको चेंज कर दिया गया है। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया, तो बेसिकली जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कुछ चेंजेस किए गए वहाँ पर। तो ये आपको जाना जरूरी है कि बेसिकली जब इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप देखें स्टैंड ऑफ में, अगर आप देखेंगे जब आंसर लिखें तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, एक तरह से क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। अगर हम एग्रेसिव पोस्चर, ये डिप्लोमेटिक पोस्चर नहीं है, ये एग्रेसिव पोस्चर है जिसको कि आप लिख सकते हैं, ये हमें स्टेप ले सकते हैं डिप्लोमेटिकली, जो हम अभी देखते हैं एडिटोरियल में और जो सजेशंस हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली कि हमें कन्वर्सेशन रखना है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना है, ये सब चीजें। तो ये भी एक पार्ट आपका जो आंसर का पार्ट आप उसमें लिख सकते हैं कि रूल ऑफ एंगेजमेंट हम चेंज करना है, फोर्सेस को फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो वहां पे सिचुएशन को समझ सके और उस हिसाब से क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके। तो अब हम बात करते हैं 50 डे परेड की बात करें हम, तो ये बेसिकली जो है रशियन फोर्सेस कंडक्ट कराता है हर साल 9 मई को। ये 9 मई को आपका जो बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, 8 मई को साइन हुआ था डिक्लेरेशन, नाजी फोर्सेस ने सरेंडर किया था, उसको लेते हुए उसको सेलिब्रेट करने के लिए 9 मई को हर साल किया जाता है। लेकिन COVID-19 के कारण इस साल इसको 24 जून को किया जा रहा है पोस्टपोन करके। तो इसके अलावा जो आपका है लिटरेचर परेड बेसिकली क्या है आपका, रेड स्क्वायर में होता है आपका मॉस्को में। तो मिलिट्री परेड टू ऑनर द सेक्रीफाइसेज मेड बाय द रशियन सिटीजन ऑफ अदर फ्रेंडली अलाइज। तो जो लोगों ने उस समय वर्ल्ड वॉर टू में जो सेक्रीफाइसेज किया उसको, जान गई उनके शहीद हुए, उनको ऑनर देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट करने के लिए परेड किया जाता है। और जैसा मैंने कहा इंडिया ने भी अपना फोर्स 75 लोग आर्म फोर्सेस का एक टुकड़ी भेजी वहाँ पर परेड में शामिल होने के लिए। इसमें तीनों फोर्सेस के जवान हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों के जवान इसमें हैं। तो इसको अटेंड करने के लिए जो अभी डिफेंस मिनिस्टर गए हैं। नेक्स्ट आपका ये फ्रंट पेज का ही आर्टिकल है, सिक्रेसी ऑफ बैलेट इज की टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था यहाँ पर, वहाँ के एक पंचायत में, उत्तर प्रदेश के पंचायत में एक इलेक्शन हुआ जिसमें CCTV कैमरा फुटेज में बेसिकली लोगों ने अपना दिखाया, वोट दिखाया, जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट थे नो कॉन्फिडेंस मोशन में उन्होंने वोट दिखाया कि हमने किसको वोट किया। तो इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको फिर से वोटिंग कराने के लिए कहा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि भाई सिक्रेसी वैलेट तो जरूरी है लेकिन ये वॉलंटरी है, मतलब कि अगर वोटर चाहे, वोटर कैन ऑल्सो वॉलंटरली वेव द प्रिविलेजेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। तो वोटर चाहे तो अपना वोट जो है बता सकता है किसी को, चाहे वो इशारे किससे हो, चाहे दिखा करके हो। नो वन कैन प्रिवेंट अ वोटर फ्रॉम डूइंग, वो भी इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है कि वोटर की अपनी वो प्रिविलेज है नॉन सिक्रेसी, लेकिन वो अपने आप उसको तोड़ सकता है, वो अपना जो नॉन सिक्रेसी जो है उसको वो किसी को दिखा सकता है वोट को। तो ये वोटर के ऊपर है, वोटर कैन वॉलंटरी वेव द प्रिविलेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट दिया है कि भाई वोटर जब अगर अपना वोट बताना चाहे तो बता सकता है। और ये प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये हम जानते हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपका GS पेपर 2 के लिए।
तो डिपेंडेंस पे पूरा बेसिकली क्या है, जो उससे बहुत सारे क्लॉजेज है, जो इलेक्शन हमारा है वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे आपको कंडक्ट कराना है, उसमें जो इलेक्शन शेड्यूल्स कैसे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज हैं, सिंबल्स एलोकेशन है, तो ये सारा कुछ जो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में है, इसको आपको ध्यान से देखना है। जब भी आप देखें न्यूज इसमें, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्या है इलेक्शन को लेकर के रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में। तो उसके अलावा हम मूव करते हैं अगला, जो कल जो सोलर इक्लिप्स हुआ उसके ऊपर में एक आर्टिकल है, क्लाउडी स्काईज हैम्पर बीइंग ऑफ एनुलर सोलर इक्लिप्स इन दिल्ली। तो सोलर इक्लिप्स जो है ये आपका साइंस और टेक्नोलॉजी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार आता है सोलर इक्लिप्स क्या है, लूनर इक्लिप्स क्या है, आपका एनुलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के अलग तरह होते हैं, प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है आपका एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो ये जो न्यूज़ है बेसिकली इसी को बताया है, कल जो सोलर इक्लिप्स आया था आपका एनुलर सोलर इक्लिप्स, इट वॉज अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में पूरा दिखा नहीं, धुंधला था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसको अच्छी तरह से देखा गया, क्लियरली विजिबल था। अगला सोलर इक्लिप्स जो आपको होगा साउथ अमेरिका में दिसंबर में, और अगले साल जो आपका अनुला सोलर इक्लिप्स जो है अगले साल होगा आपका 2022 में, जो कि इंडिया में विजिबल नहीं होगा। तो ये तो आगे की प्रिडिक्शन है, बेसिकली सोलर इक्लिप्स का ये आपको समझना है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू हो या पेपर थ्री हो आपका जनरल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव हो। सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन अ न्यू ऑन अ न्यू मून डे व्हेन मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो यहाँ पे अगर सन है आपका, ये अर्थ है, इस दोनों के बीच में अगर मून आ जाए तो क्या होता है, बेसिकली आप समझ सकते हैं दो के, यहाँ सन जो रोशनी देता है हमें, तो मून अगर बीच में आ जाएगा तो इसकी रोशनी जो है छिप जाएगी सन की, तो भारत जैसे अर्थ पे अंधेरा तरह हो जाएगा, क्योंकि तो सन की जो रोशनी है वो ब्लॉक कर दिया मून ने, इसे हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझे अगर, तो तीनों एक लाइन में है, मून जो है बीच में है सन के और अर्थ के, ऑल द थ्री सोलर बॉडीज आर अलाइन, तीनों अलाइंड एक लाइन में, और सन का रोशनी को जो मून ब्लॉक कर रहा है। एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, एंगुलर डायमीटर ऑफ मून फॉल्स शॉर्ट ऑफ द सन, मतलब सन का अगर डायमीटर अगर ऐसे है मान लीजिए गोल, तो मून का जो डायमीटर थोड़ा छोटा हो जाता है, मून ऐसे उसको रोक पाता है, तो यहाँ यहाँ साइड से जो आप देखेंगे तो ये लाइट्स निकलती है, तो एक तरह से एक आर्क लगता है, रिंग ऑफ फायर, इसको हम देखेंगे पिक्चर में नया में, इट कैन नॉट कवर अप द लेटर कम्प्लीटली, तो सन को पूरी तरह से वो कवर अप नहीं कर पाता है मून, कुछ पार्ट्स उसके साइड से जो है सन के पार्ट्स दिखते हैं, रिंग ऑफ सन्स डिस्क रिमेन विजिबल, सन का डिस्क जो है मुझसे मैंने कहा, ये अगर हम एक सर्कल लें तो ये जो सर्कल का कोना है ये दिखते रहता है, इसको हम पिक्चर देख लेते कुछ अच्छा समझ में आएगा, ये है एनुलर इक्लिप्स, ये देखिए आप, तो ये जो है बेसिकली जो आप देख रहे हैं इतना ये पूरा ब्लॉक है, ये जो है सन का कुछ पार्ट जो है कोना कोना से ये दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एनुलर इक्लिप्स। तो इसी की बात हो रही, यही कल हुआ था इंडिया में एनुलर इक्लिप्स, दिस गिव्स इमेज ऑफ रिंग ऑफ फायर, तो ये लगता है कि रिंग ऑफ फायर एक तरह से रिंग है, और वहां पर क्योंकि वो सन की रोशनी आ रही है तो जलता हुआ दिखता है, तो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इसको। इसके अलावा एक और यहाँ पर टर्म यूज हुआ है जिसको आपको जानने की जरूरत है, बेलीज बीट्स। बेलीज बीट बेसिकली क्या है, एन आर्क ऑफ ब्राइट स्पॉट्स सीन ड्यूरिंग टोटल एंड एनुलर इक्लिप्स ऑफ द सन। तो जो सन को सोलर इक्लिप्स जो होता है, हमने कहा कि किनारे में कुछ कुछ ब्राइट स्पॉट जो है सन के लाइट जो है वो निकल रहते हैं, क्योंकि मून पूरी तरह से उसको झांप नहीं पाता, उसको तो पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है, तो इसको हम कहते हैं बेलीज बीट्स, क्योंकि बीट के जैसे थोड़ा 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 कहीं कहीं पे निकल आता है, समान नहीं होता है, कहीं कहीं पे रोशनी होती है, तो इसको बेलीज बीट्स कहा जाता है। ये फ्रांसिस बेली एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनके नाम पे ये रखा गया, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया होगा, इसके नाम पे इसको रखा गया है। तो ये होता है बेली बीट, ये आपको जानने की जरूरत है। और उसके अलावा सोल इक्लिप्स क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्लिप्स हम देख लेते हैं, तीन तरह से इक्लिप्स होता है आपका सोलर इक्लिप्स, तीन प्रकार बांट सकते हैं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, टोटल और एनुलर। एंगुलर जो हमने कल देखा था, पार्शियल क्या होगा, जबकि जो तीनों है एक एग्जैक्टली एक डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, ये रहा पिक्चर आपका। जैसे देखिए सन का कुछ पार्ट्स इन्होंने कवर किया मून ने, और ये बाकी जो आप देख रहे हैं ये पार्ट्स कवर नहीं हो पाया, तो क्योंकि तीनों एक डायरेक्शन में नहीं थे, इसी कारण से मून जो है आपका सन से एग्जैक्टली तीनों लाइन में नहीं, एग्जैक्टली हम तीनों लाइन ड्रॉ करें, तीनों एक लाइन में नहीं है, इस कारण से सन का कुछ पार्ट्स जो है वो ब्लॉक हो गया, कुछ पार्ट्स विजिबल हैं, इसको हम कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स। टोटल इक्लिप्स जो है कि सन और मून पूरा एक लाइन में है, ये वाला एकदम एक लाइन में है, मून जो है पूरी तरह से इसको कवर कर लिया इन्होंने, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया सन।
तीसरा एनुलर इक्लिप्स, इसमें ये टोटल सोलर इक्लिप्स का ही पार्ट है, तीनों एक लाइन में ही है, लेकिन एक प्लेन में भी है दोनों तीनों, एक लाइन के अलावा प्लेन में भी है, लेकिन एक जो है रिंग ऑफ फायर हम देख रहे हैं ये रहता है उस डायमीटर पे, जो एरिया जो है कॉर्नर पे वो छूट जाता है, तो एक रिंग ऑफ फायर की तरह दिखता है, और इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसको हम, और ये इसको हम कहते हैं एनुलर इक्लिप्स जो कल हमें देखने को मिला था। तो ये तीन तरह का इक्लिप्स आप याद रखें, ये पिक्चर डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं जब भी एग्जाम में आपको आए कि एक लाइन में दिखाने के लिए, और एक लाइन से थोड़ा अलग है ये पार्शियल इक्लिप्स में, इसको आपको दिखाना होगा। और जो बेली बिट्स की मैं बात कर रहा था, बेली बिट्स ये देखिए, अब कहीं कहीं पर ब्राइट स्पॉट्स हैं आपका, यहाँ देखिए बहुत ब्राइट स्पॉट्स है, कहीं पर स्पॉट्स नहीं है, इसको हम कहते हैं छोटा छोटा बीड्स की तरह, मतलब जो दाना होता है बीड जो होता है मोती के, उस तरह से ये दिखता है, इसको हम बेली बीड्स इफेक्ट कहा जाता है। तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी में इसमें आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा एक न्यूज है आपका, सूट फाइल्ड इन पुणे कोर्ट सीकिंग टू ब्रिंग पीएम केयर्स फंड अंडर आरटीआई। पीएम केयर्स फंड के बारे में आप सब जानते हैं, ये अभी जो है कोविड के समय में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नया फंड, पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको आरटीआई के अंदर लाने के लिए एक पिटीशन डाली गई है पुणे में कोर्ट में। तो इसके बारे में ये न्यूज़ में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम देखेंगे पीएम केयर्स फंड बेसिकली क्या है, इसको हम और पीएम एनआरएफ जो है नेशनल रिलीफ फंड, इसके बीच में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है मेजर मेजर, इसको जानना आपको जरूरी है। पीएम केयर्स फंड जो ये भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि अभी स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि अभी प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो इसमें मेंबर्स हैं, इसके अलावा और भी इसमें मेंबर्स इंक्लूड किया जा सकता है अगर ये बॉडी चाहे तो। उसके अगेंस्ट में अगर हम पी एम एन आर एफ देखें तो ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये कब हुआ पीएम केयर्स फंड, 2020 में आपका इसी साल हुआ है मार्च में, ये कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो 1948 में पीएम एन आर एफ फंड इस्टेब्लिश हुआ था आपका, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, ये इसलिए स्टार्ट हुआ था असिस्ट द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, तो जब पाकिस्तान से लोग माइग्रेट हुए थे, डिस्प्लेस हो गए थे पार्टीशन के समय, उनको असिस्टेंस देने के लिए स्टार्ट किया गया। बाद में अभी जो काफ़ी इमरजेंसी के समय में, फ्लड में, डिजास्टर में इसको गवर्नमेंट यूज करती है रिलीफ पहुंचाने के लिए, और ट्रांसप्लांटेशन में, ऑर्गन डोनेशन में, सब कुछ में इसमें यूज किया जाता है। उसके अलावा एक और डिफरेंस जो आपका है कि पीएम केयर्स फंड में आप कम से कम 10 रुपये तक डाल सकते हैं, बहुत माइक्रो डोनेशन भी दिया जा सकता है, जबकि पीएम रिलीफ फंड जो है उसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपको 100 रुपये का करना है, उससे कम आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक है आपका पीएम केयर्स फंड को अभी जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने शायद पढ़ा होगा, ये बेसिकली क्या है कि जो कॉर्पोरेट्स जो कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है सरकार का कि 2% आपको जो है अपना प्रॉफिट का, या जो प्रॉफिट है उनका, उसका आपको 2% कुछ सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या करना, सारी सामाजिक कार्य के लिए खर्च करना है, उसका कुछ गाइडलाइन है, डिटेल गाइडलाइन कि कैसे आपको खर्च करना है, उसके लिए आपको कमेटी भी बनानी है, तो ये सारा कुछ एक मैंडेटरी है कंपनीज के लिए। तो अगर कंपनी चाहे तो वो अपना जो केयर्स CSR के अंदर जो उसको मान ली 100 करोड़ रुपया देने थे, वो 100 करोड़ वो पीएम केयर्स फंड में भी डाल दे अगर, तो उसको माना जाएगा कि आपने CSR का जो ऑब्लिगेशन था आपका, जो लीगल ऑब्लिगेशन था कि आपको पूरा करना था, वो आपने कर लिया। तो ये इसके कारण बहुत सारी कंपनियों ने इसमें डोनेट किया है, इसलिए किया गया ताकि डोनेशन जो है पीएम केयर्स फंड और आ सके। तो लेकिन ये पीएम एनआरएफ में ऐसा नहीं है, पीएम एनआरएफ में अगर आपका कंपनी भी डोनेट करती है तो उसको CSR के अंदर नहीं समझा जाएगा, CSR आपका अलग हो जाएगा। पीएम केयर्स फंड में अगर आपने 100 करोड़ डाले भी है तो वो 100 करोड़ आपको CSR के लिए अलग से खर्च करने ही पड़ेंगे। तो ये एक डिफरेंसेज है। उसके अलावा दोनों ही ट्रस्ट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है हमको, और दोनों में अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। जब इनकम टैक्स आप फाइल करते हैं तो ATG में आप इसको दिखा सकते हैं कि भाई हमने 1000 रुपये 2000 रुपये डोनेट किए हैं, और ये आपका जो इनकम टैक्स इनकम अमाउंट से कम हो जाएगा। तो ये मोटा मोटे डिफरेंसेज है पीएम केयर्स फंड पीएम एनआरएफ में, इसको आप ध्यान में रखें। ऑब्जेक्टिव सवाल मोस्टली इस पे आ सकता है आपको, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो आप उसमें डिफरेंसेज कर सकते हैं कि क्या है नहीं है। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम, ये एडिटोरियल है आपका, इंडियाज कंटिन्यूइंग टू फ्रंट कंडोरम। तो ये बेसिकली जो इंडिया चाइना का जो अभी स्टैंड ऑफ है, इसको लेकर के एक एडिटोरियल यहाँ पे दिया गया है। इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि मोटा मोटी कि
जो इंडिया को देखना है दोनों साइड में, जैसे कि इंडिया ने बहुत दो बार गलती की 1962 में और 1971 वार में, कि हमने एक तरफ देखा, हमने 1962 में चाइना को एज ए थ्रेट नहीं माना, हमने नहीं माना कि चाइना हमें वार करेगा, उस समय चाइना ने वार किया। 1971 में हमें लगा कि चाइना से ज़्यादा हमें खतरा है, लेकिन पाकिस्तान से हमें आने वार हो गई। तो ये दोनों चीज़ें जो, इसलिए ऑथर ने यहाँ पे कहा, राइटर ने, कि हमें दोनों तरफ हमारी इनिमी को बराबर तरह से देखना है, कि कहीं पे भी हम चूक नहीं जाए। तो यहाँ पे से कहा कि उस समय 1962 वार के समय में इंडिया ने जो बेसिकली, मैंने कहा अभी, कि जो चाइना का थ्रेट है उसको हम समझ नहीं पाए, उसको हम ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाए, जिसके कारण हमें जो है वहाँ पे मिलिट्री हमारा प्रिपेयर नहीं था और हमें जो हार का सामना करना पड़ा। एक्साइज चीन जो है बेसिकली हमारे से चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमें फिर से गलती नहीं करनी है, हमें दोनों तरफ, चाहे वो नेपाल, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, दोनों तरफ हमें बराबर तरीके से हमें स्ट्रेटेजिकली देखना है उसको। तो चाइना इज वन नॉट टू एक्वायर टेरिटरी बट रियल एम वाज टू फोर्स ऑन इंडिया अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विच विल इन्वॉल्व इंडिया रीओरिएंट इट्स पॉलिसीज टू सूट द पैटर्न ऑफ चाइनाज ग्लोबल पॉलिसीज। तो 1965 की बात की जा रही है कि बेसिकली जो चाइना का एम जो था, बेसिकली टेरिटरी लेना नहीं था, बस चाइना का जो पावर है दबदबा दिखाने का था कि भाई इंडिया जो है अपना पॉलिसी चाइना के हिसाब से चलाए। तो ये अभी भी यही, एक तरह से कहना जा रहा है कि अभी भी यही एम है कि भाई चाइना अपने आप को दिखाना चाहता है कि एशिया पैसिफिक में वो सुपर पावर है और भी कोई भी यहाँ पे सुपर पावर नहीं है। चाइना को आपको मानना होगा कि सुपर पावर और उसकी पॉलिसी के हिसाब से आपको काम करना होगा। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बेसिकली 1962 वार के बारे में बताया गया है, तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यही एक कहा गया कि हम इंडिया को स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली जो है दोनों फ्रंट्स को देखना है कि कहीं हम चूक नहीं जाए, मिसकैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है आपका फाइटिंग अ डबल पेंडेमिक। ये बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज हम सुन रहे हैं न्यूज़पेपर में आफ्टर दी क्लोज लॉकडाउन के बाद, तो केसेज बढ़े हैं, न्यूज में आया है, उसको लेकर के कहा गया है जेंडर वायलेंस। तो कॉमनवेल्थ के मेंबर है, सेक्रेटरी जनरल हैं ये राइटर जो है, इन्होंने कहा बेसिकली बाद में बताया कॉमनवेल्थ ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं इस चीज़ को कम करने के लिए। तो पहला जो इन्होंने बताया कि क्या इसमें लॉकडाउन का क्या निगेटिव इफेक्ट हुआ है जेंडर बेस्ड वायलेंस में, काफ़ी बढ़ा है, विथ वीमेन बियरिंग द ब्रंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। तो जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों को जो वहाँ के फैमिली में मेल्स का, कि जॉब चली गई या वो जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसका एंगर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बेसिकली वहाँ के वीमेन, घर के वीमेन पे पड़ रहा है, जिसके कारण वायलेंस जो ज़्यादा बढ़ रहा है आपका। उसके अलावा जो वीमेन को डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर्स बहुत बार विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण उनका इलाज सही से नहीं हो रहा है, ये एक और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। Women tends to often be at disadvantage during the crisis, epidemics and now this pandemic. तो हमेशा देखा गया कि women जो है किसी भी तरह की अगर crisis हो, epidemics हो, तो उस समय women एक disadvantage position पर रहती है, especially household में। तो ये हमेशा देखा गया, जैसे इन्होंने दो data दिया है आपका, इबोला के समय में वेस्ट अफ्रीका में 60% जो death था वो women का था, इबोला आउटब्रेक के समय 2014 में। और कैनबेरी अर्थक्वेक जो न्यूजीलैंड में आया था आपका, उसमें भी देवर 53% राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस देखा गया था। तो हमेशा जो ये देखा गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है या जो वीमेन जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो बढ़ता है ऐसे समय में, तो इसको हमें पहले से प्रिपेयर रहना है हमेशा। दिस इज बिकॉज जेंडर रोल्स एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग कस्टम सच एज अर्ली एंड पोस्ट मैरिज। तो ये जो इसका कारण बेसिकली क्या है कि जो रोल्स है, जेंडर रोल्स, की घर के काम जो है महिलाएं करेंगी, खाना बनाना ज़्यादा काम उनको करना है। उसके बाद हमारा कस्टम जो है, जैसे कि अर्ली मैरिज हो जाता है, लिमिट वीमेंस एक्सेस टू हेल्थ के सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज उसमें वो एक्सेस नहीं कर पाती है, घर पर ही उनको इलाज किया जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है। वीमेन डू 3 times एज मच अनपेड केयर वर्क एट होम। तो वीमेन जो है बेसिकली जो काम है घर का, ज़्यादा से ज़्यादा काम वीमेन के हाथ होता है, मत होता है, तो जिसके कारण उनके ऊपर बहुत दबाव होता है। तो उसके बाद अलावा जो मास स्कूल क्लोजर, जो बहुत सारे बंद स्कूल से बंद हो गए, इसके कारण गर्ल्स एजुकेशन पर भी असर पड़ा है। मोर गर्ल्स आर एट रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन के रिस्क पर है, अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली और पोस्ट मैरिज। तो ये सारा जो है स्कूल जो बंद हो गया उसके कारण गर्ल्स पे ज़्यादा असर पड़ा है जेंडर बेस्ड। अगर हम देखें चिल्ड्रेन आर अनेबल टू रिपोर्ट अब्यूजेस टू ट्रस्टेड टीचर। तो टीचर से इंटरेक्शन नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो अगर अब्यूज कुछ हुआ है घर पे ज़्यादातर देखा जाता है, अब्यूज होता है, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, उसको भी आप रिपोर्ट जो है गर्ल्स नहीं कर पा रही हैं अपने टीचर्स के पास कि भाई हमारे साथ ये हुआ है हेल्प के लिए। तो ये एक उनका ना एक निगेटिव इफेक्ट है लॉकडाउन का। कोर्ट्स जो है बहुत सारे क्लोज हो गए हैं, जिसके कारण आप कोर्ट में भी नहीं आ सकते हैं, अपना केस नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद वैलेंस सेल्टर्स जो बनाए गए थे वो उसको हेल्थ फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण वो भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। मेनी विक्टिम्स में फाइंड देमसेल्फ ट्रैप्ड एंड फीलिंग अबैंडन्ड, इसके कारण और विक्टिम्स जो है जो उनके साथ हो रहा है उसको किसी को बोल नहीं सकते हैं, किसी उसका इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो ये और भी लॉकडाउन जो है एपिडेमिक जो है इस तरह से और उस पर दबाव डाला डोमेस्टिक वायलेंस को, इस तरह से निगेटिवली जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इसके ऊपर कुछ सजेशन दिया इन्होंने, कॉमनवेल्थ ने क्या क्या किया है, कॉमनवेल्थ ने जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, तो इसमें क्या क्या कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज टू द प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ केयर फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्री ऑफ चार्ज। तो ये एक जरूरत हमें करने की या कहीं पे किया गया है कि भाई जो फ्री ऑफ चार्ज जो है हमें हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर जो है सबको देना है। कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, उनके घर पे जाके हमें उनके घर पर ही वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की जरूरत है। क्लियर लिंक बिटवीन द वेल वीक हेल्थ केयर सिस्टम एंड वल्नरेबिलिटीज टू डोमेस्टिक वायलेंस। तो अगर हेल्थ केयर वीक रहेगा तो डोमेस्टिक वायलेंस जो बढ़ेगा, तो हेल्थ केयर देना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ केयर। मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी चाहिए वीमेन को, अगर वो ट्रैप्ड है, उनको किसी को बता नहीं पा रहे हैं उनका उनकी व्यथा जो है, उनका जो कष्ट है, तो इसलिए मेंटली वो मेंटली भी उनको एक प्रेशर होता है, मेंटल हेल्थ उनका डिटोरिएट करता है, जिसके कारण मेंटल हेल्थ देने की भी जरूरत है। इसके अलावा और क्या करने की जरूरत है कि डेडिकेटेड फंडिंग एंड सपोर्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। तो ऐसे MSME को बेसिकली जो कि ज़्यादातर जो वीमेन के द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसको वीमेन चला रही है, उनको हमें स्पेशल फंडिंग देनी है ताकि वो काम कर सके, काम को बढ़ा सके। ऐसा नहीं है उनका बिजनेस बंद हो जाए फिर उन्हें डोमेस्टिक काम पे रोकना पड़े, इंडिपेंडेंस जो है उनको, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो उनका चला जाए। तो ये सब जरूरत है आपको कि फंडिंग सपोर्ट भी जरूरत है। उसके अलावा आपका प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज एंड फंडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग विक्टिम्स। तो जो NGOs हैं, जो वैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विक्टिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी फंड देने की जरूरत है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सके। इसके अलावा जैसे हमने कहा कोर्ट बंद है, तो वर्चुअल हियरिंग का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप उसको लोगों को कोर्ट केसेस जो है उसको चला सकते हैं, उनको लीगल एडवाइस दे सकते हैं। अलाइंग सर्वाइवर्स टू कंटिन्यू एक्सेस टू एक्सेस जस्टिस, तो जस्टिस उनको मिल सकता है अगर हम वर्चुअल कोर्ट के थ्रू, लीगल एड के थ्रू उसको कर सके। वायलेंस इन द होम इज वन ऑफ द मोस्ट परवेसिव ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस। तो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी सही नहीं है। अ रेंज ऑफ इनिशिएटिव इंक्लूडिंग क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक केस फॉर एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस बाय आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इसका एक सिर्फ और सिर्फ सोशल कॉस्ट नहीं है आपका, सोशली हम इसको सिर्फ नहीं देखना, इकोनॉमिकली भी ये किसी देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है देश को। कैसे? इसमें स्टडी ने देखा है कि भाई 4.625% ऑफ GDP जो है इससे आपका कम हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के कारण, जेंडर बेस्ड वायलेंस के कारण। तो सरकार को इस हिसाब से भी सरकार सोच सकती है भाई कि ठीक है सोशली तो है ही, इकोनॉमिकली भी हमें लॉस हो रहा है, तो हमें इकोनॉमिकली फंड भी देना है ताकि उस चीज़ को हम रोक सके, जस्टिस हमें देना है वर्चुअल कोर्ट के थ्रू, लीगल एडवाइस के थ्रू, हेल्थ केयर देना है हमें, और जो NGOs हैं उनको हमें फंड देना है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है और सोशल इशूज भी इन्वॉल्व है। तो ये आपका जो बेसिकली GS पेपर 1 में सोशल इशूज में आप कर सकते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस में कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आप आपका जो मैन एंड वीमेन है, आप एसेज में जो आप हैं डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत बढ़ाता है तो उसको आप दे सकते हैं, या फिर लीगल जो लीगल लॉज हैं उसमें भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि कहाँ हमें क्या क्या करने की जरूरत है इस समय में डोमेस्टिक वायलेंस को। अगला हम न्यूज की तरफ मूव करते हैं, चाइना पॉलिसी लैक्स पर्सपेक्टिव। ये भी एडिटोरियल है आपका, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। बेसिकली बताया गया कि चाइना का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसने क्यों अटैक किया। तो ये राइटर का बेसिकली अपना एजम्पशंस है कि इंश्योरिंग दैट इंडिया अंडरस्टैंड, बेसिकली इंडिया अंडरस्टैंड करे कि चाइना का क्या क्या है ना, ये जो कंट्रोल है उसका जो क्वालिटी नहीं समझे, चाइना को, चाइना के समान अपने आप को नहीं समझे इंडिया, चाइना का पोजीशंस को समझे कि इंडो पैसिफिक में वो डोमिनेट करना चाहता है, वही डोमिनेट कर सकता है, अपनी पॉलिसी जो है इंडिया जो है उस हिसाब से चेंज करे, US और उसके एलाइज जो है उसके साथ ज़्यादा मतलब कि चेंज करने की, डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है उसको, कीपिंग इंडिया प्री ऑक्युपाइड विद द प्रॉब्लम्स विद इट्स इमीडिएट नेबर, इंडिया को ऑक्युपाइड करके रखे उनका जो प्रॉब्लम्स है ताकि वो इंडिया जो है अपना जो बाकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर पाए, अपना ग्लोबली जो इमेज है पोजीशन उसको और बढ़ा नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली चाइना का स्ट्रेटेजी जो किया है इसको एक तरह से राइटर ने बताया है। और इसके अलावा जो बताया इन्होंने पहले कि जिसका
ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। तो जो हमने देखा था पार्लियामेंट में, पहले तो जम्मू कश्मीर का जो हमने ना एक पोजीशन चेंज किया, अलग न्यू टेरिटरी बनाया लद्दाख, उसमें से अलग किया, वो एक माना जा रहा है राइटर के हिसाब से। उसके अलावा जो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई अक्साई चीन भी हम लेंगे और पीओके भी हम लेंगे, तो दोनों ही चाइना के लिए एक इम्पोर्टेंट है, प्रोवोक करने का एक तरह से। इस पर कहा गया कि हम प्रोवोक कर रहे थे, हमारा गलत कम्युनिकेशन हुआ है वहाँ पर। तो पीओके कैसे इम्पोर्टेंट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ से जाता है, और अक्साई चीन जो चाइना का पार्ट है, तो इसको लेकर के चाइना में जो चाइना का इमेज जो खराब हुआ, कम हुआ, तो उसको चाइना रिगेन करने की कोशिश कर रहा है अपना एग्रेसिव पोस्चर दिखा करके बॉर्डर पे, कि भाई हम जो एशिया पैसिफिक में हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, और सबसे ज़्यादा जो पावर है वो एशिया पैसिफिक जो पावर है वो चाइना के पास ही है। तो इंडिया का मेन स्ट्रेटेजिक गोल होना चाहिए शुड बी अडॉप्शन ऑफ केयरफुली कैलकुलेटेड पॉलिसीज दैट न्यूट्रलाइज चाइनाज डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री क्लॉट। तो एक कैलकुलेटेड पॉलिसी होना चाहिए जो कि डिप्लोमेसी की तरफ, डिप्लोमेटिकली भी हमें चाइना को काउंटर करना है, और मिलिट्रीली, मिलिट्री कैसे, हमें अपना फोर्स जो है वो बढ़ानी है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पे उसको हमें बढ़ाना है, एशिया पैसिफिक रीजन में हमें जो अपने पावर को और बढ़ाना है, चाहे वो नेवी के हो, एयरफोर्स में हो, विदाउट मेकिंग इंडिया पियर एज सरोगेट ऑफ अदर पावर, विदाउट मेकिंग सरोगेट ऑफ पावर, मतलब ये हमें यूएस पे डिपेंडेंट नहीं होना है, जापान पे या ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद ही खुद उस चीज़ को हमें और डेवलप करना है, हमें और इम्प्रूव करना है इस चीज़ों को। तो ये चीज़ें बेसिकली आप इंटरनेशनल रिलेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका हैदराबाद फर्म्स गेट डीसीजीआई नोट फॉर जेनेरिक रेमडेसिविर, ये जो ड्रग है आपका, इसका जेनेरिक वर्जन बनाने के का अनुमति मिला है आपको, एक परमिशन दिया गया है हेट्रो ड्रग मेकर को। ये क्या है, बेसिकली जो जिला कंपनी है इनका एक ड्रग है जो कि कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहा है, स्पेशली जो कि है ना आपका हॉस्पिटलाइज पेशेंट है जो इसको सीवियर सिम्टम्स है, तो उनको इलाज करने में काफ़ी जो टेस्ट हुए हैं उस पर माना गया है कि ये जो ड्रग है वो काफ़ी इफेक्टिव है, इसीलिए इंडिया में इसको, कि इसके पहुंच कम है, ड्रग कम है या कॉस्टली है, तो इसको लेकर के इसका जेनरिक वर्जन बनाने के लिए इस कंपनी को गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। इसका नाम होगा, जो ड्रग बनेगा उसका नाम होगा कोवी-4, नया नाम एक तरह से है। तो इससे क्या होगा, एक्सपेंड द एक्सेस, तो जो कोविड का जो ये जो ड्रग है, ये जो दवाई है, इसका जो एक्सेस है लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज कर सकेंगे, उन पर ये यूज किया जा सकेगा, इलाज हो सकेगा। तो इसके में इम्पॉर्टेंट जो एक तरह से है आपका जो टर्म है आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई, ये बेसिकली क्या है, ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है सीडीएसओ, इसके अंदर आता है। इसका काम है अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग, तो लाइसेंस देना है कि स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है उनके लिए, ठीक है, ताकि वो इंडिया में बेच सके, उसको मैन्युफैक्चर कर सके। उसके अलावा इसका क्या काम है, स्टैंडर्ड बनाना, क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं, उसका जो क्वालिटी है वो डिसाइड करता है आपका डीसीजीआई। इसके अलावा अपेलेट और बॉडी है, अगर कोई सुनवाई करनी है तो उसके अगेंस्ट अपील में आप यहाँ जा सकते हैं, सुनवाई भी करता है क्वासी जुडिशियली। यूनिफॉर्मिटी इन्फोर्समेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका, ड्रग और कॉस्मेटिक जो है बेसिकली ड्रग रेगुलेशन के लिए इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको इनका इन्फोर्समेंट देखता है कि इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये आपका बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत बार पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल रखा हमने, इवन गोल्डन लंगूर सफर फोर्स्ड अबॉर्शन इन्फेंटिसाइड, तो ये गोल्डन लंगूर्स के बारे में बताया गया, ये आपका पिक्चर जो आप देख रहे हैं गोल्डन लंगूर का पिक्चर है, गोल्डन फॉर है, इस तरह से ये लंगूर वेराइटी का है, मंकी वेराइटी का, तो इनको गोल्डन लंगूर कहा जाता है। ये बेसिकली आसाम में पाए जाते हैं, सिर्फ 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 ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो सिर्फ आसाम में पाए जाते हैं, और पार्ट्स ऑफ भूटान में, उस जो भूटान से जो लगा हुआ एरिया है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली। इनका जो हैबिटेट है बेसिकली सेवर एवरग्रीन एंड मिक्स डिसिड्यूस फॉरेस्ट में ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फेंटिसाइड की बात, इसको हम देखेंगे आगे, पहले इसका समझ लें ये कहाँ पाए जाते हैं ये। उसके अलावा ये जो यहाँ पे रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर, ब्रह्मपुत्रा है, मानस है और सोन संकोच, ये रिवर का जो बाउंड्री है तीन रिवर का, बेसिकली इसी के अंदर ये गोल्डन लंगूर का पूरा हैबिटेट है जहाँ पे वो ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। थ्रेट क्या है इनका, ये इकोलॉजिकली थ्रेट क्या है, मतलब ये इनका, तो इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक तो है कि पेस्ट
पेड़ जो बहुत सारे काटे जा रहे हैं, इनका ये बेसिकली कैसे ये मूव करते हैं ये आप समझने की जरूरत है। जो पेड़ होते हैं बहुत जंगल में आप देखें तो उसका जो कैनोपी होता है ऊपर से, वो एक कैनोपी से दूसरे कैनोपी में छलांग लगा करके वो अपना मूव करते हैं, आगे जाते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बेसिकली एक तो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक वायर्स, तो पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो हमारा है कि भाई हर घर गाँव घर में गाँव में बिजली पहुँचाना, उसके कारण तारें रखी जा रही बड़े बड़े। आप अगर आप शहर से बाहर निकले हाईवे पर आप देखेंगे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स रहते हैं जो हाई पावर लाइन जाता है जहाँ से, तो उसके कारण जो क्या होता है ये जब एक कैनोपी से दूसरे कैनोपी जा रहे होते हैं तो बीच में वायर के कारण ये उसके सट करके उनको वो स्टक कर जाते हैं, करंट लग जाता है जिसके कारण वो मर जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनका कारण है ये घटती जनसंख्या का, हैबिटेट का। दूसरा जो है पेड़, पेड़ जो काटे जा रहे हैं बीच बीच में सेटलमेंट के लिए, तो इसके कारण ये जो इनको कैनोपी नहीं मिलती है तो ये एक दूसरे जगह जा नहीं पाते हैं, जमीन से जाना पड़ता है। और जमीन पे इनको डर है डॉग्स का, कुत्तों का, जमीन पे चलते हैं तो उनसे उनको डर रहता है, इसीलिए वो पेड़ के ऊपर ऊपर जाते हैं। तो अगर पेड़ बीच में नहीं रहेगा तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो ये उनका एक प्रॉब्लम है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का। ऑब्स्ट्रक्शन सच एज वायर्स गैप्स इन द फॉरेस्ट ड्यू टू फेलिंग हैव इंक्रीज्ड द थ्रेट्स ऑफ इनब्रीडिंग, इसके कारण इनका जो थ्रेट है बढ़ गया काफ़ी इन दोनों कारण से। और जो ककोर जियाना फॉरेस्ट है यहाँ पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। और फोर्स्ड अबॉर्शन की अगर बात करें जिसके बारे में कहा गया है, ये बेसिकली क्या है कि जब नया मेल यहाँ पर जब टेक ओवर करता है इस कम्युनिटी में, तो वो क्या करता है जो ऑलरेडी जो फीमेल है उनके पेट में अगर बच्चा है तो उसको हीट करके हीट करके उसको क्या करते हैं आपको एबंडन कर देता है, हीट द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल इंप्रेग्नेटेड बाय द डिस्पोज्ड मेल टिल द पॉइंट ऑफ एबॉर्शन। तो इतना हीट करता है मारता है कि वो बच्चा जो मर जाता है उसमें स्टिल बर्थ हो जाता है। तो इसको कहा गया फोर्स्ड एबॉर्शन, तो देखा गया अभी हाल में इस ट्रेड को। तो ये आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये लंगूर कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा एरिया रिवर्स वहाँ से फ्लो करता है, इनको थ्रेट क्या है, इनका जो थ्रेट्स आपका बेसिकली कि इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए, फॉरेस्ट का ट्री जो हम काट रहे हैं उसके कारण, तो ये आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कहाँ पाए जाते हैं, तो एक और इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनका फर जो है चेंज करता है कलर सीजन में, बहुत बार कलर चेंज करता है। और जो चक्रशिला जो वाइल्डलाइफ सेंचुरी है ये इंपॉर्टेंट वाइल्डलाइफ सेंचुरी है जहाँ पे ये लंगूर पाए जाते हैं बेसिकली, फर्स्ट वाइल्डलाइफ सेंचुरी जो गोल्डन लंगूर यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पेसीज है, 600 गोल्डन लंगूर तकरीबन यहाँ पे हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न आसाम में और फुटिलथोप भूटान में, यहाँ पे ये लोकेटेड है सेंचुरी। ये देखिए आप मैप लोकेशन ज्योग्राफी में आपको इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये मानस नेशनल पार्क है आपका, तो यहाँ पे ये गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, आसाम स्टेट का मैप है, इसको आप ध्यान में रखें। अगला जो न्यूज है आपका बेसिकली एडिशनल फंड सॉर्ट फॉर जल जीवन मिशन, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, जल जीवन मिशन के लिए मैंने इसको रखा है। जल जीवन मिशन बेसिकली क्या है कि इसमें है कि हम जो मिशन का एम है कि वाटर सप्लाई करना टैप वाटर, मतलब नल के थ्रू रूरल एरिया में भी टैप वाटर सप्लाई करना 55 लीटर्स हर डे हर दिन का, ये बेसिकली एम है मिशन का। तो जिसको ये पूरा करने के लिए फंड चाहिए, इसके लिए फंड का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए उन्होंने फाइनेंस कमीशन को लिखा है। ये बेसिकली फोकस है जो इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट, ये दोनों तरफ से तो देखता है कि सप्लाई भी सही हो, डिमांड को भी हम कम से कम कर सके, तो वेस्टेज नहीं हो, ये बेसिकली फोकस है इस मिशन का। कि और क्या क्या इसमें है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ताकि आप पानी को बचा सकें, मतलब कि जो वेस्टेज नहीं हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का पेयर लगा के, बाकी मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड वाटर वेस्ट वाटर फॉर यूज, वेस्ट वाटर जो उसको रीयूज कैसे कर सके, तो बेसिकली जो वाटर स्कार्सिटी को कम करने की कोशिश है। इसमें जो एम है मिशन का कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स अलग अलग स्कीम पानी को लेकर के उसको एक मर्ज करके एक सिंगल स्कीम रखा जाए ताकि आसानी से इसको इम्प्लीमेंट हम कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था आज का इंटोडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस टोटल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। और पॉलिटी का लेक्चर है आसाम में 6:30 बजे, उसको आप देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर। और आप है ना मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आईक्यू ज्ञान सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं।